हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपके साथ बहुत ही यूजफुल ऑर्गेनाइजर शेयर किए हैं। इसका यूज़ आप किचन में, ड्रेसिंग टेबल पे, स्टडी टेबल पे, कहीं पे भी कर सकते हो। बनाने में बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाए हैं। कार्डबोर्ड और बॉक्स दोनों ही यूज़ किए हैं मैंने यहाँ पे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलो बिना देरी के वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट DIY। यहाँ मैंने एक चॉपर का खाली बॉक्स लिया है और उसके जो एजेस थे, मतलब उसका कवर वगैरह था, वो मैंने कट करके लिया है और ये पूरा बॉक्स ऐसे रेडी हो गया। अब मैंने यहाँ पे जूट फैब्रिक लिया है, उसके एक एक इंच के नाप से बॉक्स जितने साइज का है उसके साइज के मैंने दो दो इंच एक्स्ट्रा करके लिया है। और यहाँ पे मैंने एक ब्लू कलर का फैब्रिक पड़ा हुआ था, वो मैंने लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे जींस का फैब्रिक भी यूज़ करके ले सकते हो। मैंने यहाँ पे ग्लू गन की हेल्प से वो स्टिक करके लिया है। पहले पूरे बॉक्स को मैंने जूट फैब्रिक ही लगाए। ये पूरा लगाने के बाद अब हम अगली प्रोसेस करने वाले हैं। यहाँ मैंने जो ब्लू फैब्रिक था वह एक लाइन में स्टिक करके लिया है, मतलब जूट के नीचे वाला जो पोर्शन था वहाँ पे मैंने स्टिक करके लिया है। वीडियो में आप देख रहे हो मैंने कहाँ पे स्टिक करके लिया है। और हम चेक्स पैटर्न करने वाले हैं, नहीं तो आप एक ब्लू कलर, एक जूट का फैब्रिक, ऐसा भी कॉम्बिनेशन रख सकते हो। घर में ऑर्गेनाइजर्स कितने भी बनाओ कम ही पड़ते हैं। ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स बनाओ, तो छोटे ऑर्गेनाइज़र हम ड्रेसिंग टेबल पे, स्टडी टेबल पे, बच्चों का कुछ सामान रखने के लिए या किचन पे छोटे छोटे जो सामान रहता है वो रखने के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। अब हमें चेक्स पैटर्न बनाने के लिए यहाँ मैंने जूट के फैब्रिक से नीचे से पहले डाला, फिर वापस से अगली लाइन में मैंने ऊपर से डाला, ऐसा चेक्स पैटर्न रेडी हो जाता है। पहले मैंने एक लाइन तैयार करके ली है। ब्लू फैब्रिक हमारा जब ख़त्म हो जाता है, मतलब वापस से हमें उसको स्टिक करना चाहिए या आप हाथों से स्टिच करके ले सकते हो। यहाँ मैंने दोनों फैब्रिक को थोड़े थोड़े टाइम के बाद मैंने ग्लू गन की हेल्प से मैंने स्टिक करके लिए है, ताकि वो नीचे फिस लेना। ब्लू फैब्रिक को कभी लगाया है, कभी जूट को लगाया है, ताकि वो फिक्स बैठा रहे। चेक्स पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जो कि बनाने में बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। पेपर पे बनाओ, फैब्रिक पे बनाओ या किसी भी लाइट और डार्क कलर से बनाओ, वो भी बहुत ही सुंदर दिखता है। यहाँ अब हम सेकंड लाइन बनाने वाले हैं। तो यहाँ मैंने पहले ब्लू फैब्रिक स्टिक करके लिया है। अब हम ब्लू फैब्रिक को नीचे से डालेंगे और सेकेंड लाइन में वापस से जूट के ऊपर से डालेंगे, ऐसा सेकेंड लाइन हमारा रेडी हो जाएगा। अब देखो मेरे यहाँ पर ब्लू फैब्रिक जो था वो ख़त्म हो गया है, तो मुझे वापस से दूसरा फैब्रिक स्टिक करना है ना, तो मैंने यहाँ पे ग्लू गन की हेल्प से मैंने दोनों भी स्टिक करके लिए हैं और सेम प्रोसेस में आगे भी करने वाली हूँ। अब हमारा चेक्स पैटर्न रेडी हो गया है। मेरा जो लास्ट का पोर्शन था उसको भी मैंने वहाँ पे ब्लू फैब्रिक को मतलब स्टिक करके लिया है। ये चेक्स पैटर्न रेडी हो जाने के बाद वो पीछे साइड का जो पार्ट रहता है अब हम करने वाले हैं। यहाँ मैंने बचा हुआ सब जो फैब्रिक था, जूट फैब्रिक, वही सब स्टिक करके लिया है। आपका फैब्रिक कम बचा हो तो आप जो वो भी है स्टिक करके ले सकते हो और वापस से उसको थोड़ा सा जूट फैब्रिक लगा सकते हो। मेरा यहाँ पे पैटर्न पूरा हो गया था और पीछे वाला साइड भी पूरा ऐसे ढक गया था, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा टुकड़ा ही फैब्रिक का लगाया है। पीछे वाला साइड तो रेडी हो गया, अब हम अंदर वाला साइड रेडी करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे वापस से उसको जूट फैब्रिक ही यूज़ किया है। आपके पास जूट फैब्रिक नहीं है तो आपने जो पैटर्न के लिए अलग फैब्रिक यूज़ किया है, मतलब मैंने यहाँ पे ब्लू यूज़ किया है, तो आप ब्लू फैब्रिक भी यहाँ पर लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर अंदर वाले पोर्शन में पूरा जूट ही लगाया है। अब ये रेडी हो जाने के बाद अब हम थोड़ा सा और हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे व्हाइट लेस लगाने वाले हैं। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर दिखता है। आपके पास व्हाइट लेस नहीं है, पॉम्पम बॉल है, टसल्स है, आप वो भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत ही सुंदर दिखता है। तो चलो रेडी हो गया हमारा ये बढ़िया सा छोटू सा ऑर्गेनाइज़र। यहाँ पे स्टडी टेबल के लिए ये ऑर्गेनाइजर्स बनाया है। आप चाहे तो ड्रेसिंग टेबल के लिए ये बना सकते हो।
तो शुरू करते हैं आज का हमारा बहुत ही बढ़िया सा सेकेंड ऑर्गेनाइजर। यहाँ मैंने अमेजोन का बॉक्स था जो ओपन था, तो यहाँ मैंने वही लिया है। आपके पास जो भी थिक बॉक्स है आप वो ले सकते हो या कार्डबोर्ड ले सकते हो। मैंने इसका नाप आपको डिस्प्ले में दिया है, आप देख सकते हो। यहाँ मैंने जो रेक्टेंगल थे बड़े वाले उसके दो सेम साइज़ के बनाए हैं। मुझे एक ड्रॉवर के लिए 5 सेम साइज़ के स्क्वायर लगे। आप भी स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर आपको सेम साइज़ के चाहिए, 3 स्क्वायर सेम साइज़ के और एक रेक्टेंगुलर। यहाँ मैंने वॉलपेपर यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई भी गिफ्ट पेपर वगैरह यूज करके ले सकते हो। यहाँ मैंने वॉलपेपर यूज़ किया है जिसका वुडन पैटर्न जैसा है और बहुत ही स्टिकी है। यहाँ मैंने अलग कोई यूज़ किया नहीं है। आपके पास नहीं है तो आप कलरिंग वगैरह दे सकते हो, या चाहे तो आपके पास गिफ्ट पेपर हो सकता है तो आप गिफ्ट पेपर का भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छे तरीके से स्टिक हो जाता है। ऐसे ऑर्गेनाइजर्स ऑनलाइन बहुत महंगे मिलते हैं, तो मैंने सोचा कि ये क्यों ना हम घर पे ही बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर दिखेगा। और कभी भी हाथों से बनाई हुई चीज़ बहुत ही सुंदर दिखती है। मैंने आपको एक स्क्वायर कैसे स्टिक करते हैं ये यहाँ पे दिखाया है। स्टिक करने के बाद मैंने जो कटिंग किया हुआ पार्ट है वो भी मैंने यूज़ किया है, वो भी मैंने छोड़ नहीं दिया है। कोई भी वेस्ट पार्ट हम यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, वो भी यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब हमारा स्क्वायर पूरे तरीके से स्टिक हो जाने के बाद मैंने सब यहाँ पे रेक्टेंगल स्क्वायर सब स्टिक करके लिए है। और जो 5 सेम पार्ट थे स्क्वायर वाले उसको मैंने एक बॉक्स बनाया है बहुत ही सिंपल तरीके से। यहाँ मैंने ग्लू गन ही यूज़ किए है बॉक्स बनाने के लिए। और यहाँ मैंने एक मंडाला आर्ट का जो वॉलपेपर आता है एक यूज़ किया है मैंने, मुझे वो पैटर्न बनाना था वुड पे मंडाला जैसा, इसीलिए मैंने ये वॉलपेपर यूज़ किया है। यहाँ पे वॉलपेपर, दोनों वॉलपेपर की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। यहाँ मैंने बॉक्स को आगे साइड का जो पोर्शन था उसको मैंने यहाँ पे एक एक स्टिकर लगा है। अब हम बॉक्स के साइड वाले जो पोर्शन थे वो हम स्टिक करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे जो 3 स्क्वायर एक नाप के थे वो हम साइड में लगाने वाले हैं। अब हम साइड के जो कॉर्नर थे मतलब साइड के जो स्क्वायर थे उसको हम स्टिक करने वाले हैं। मैंने पहले साइड का स्टिक करके लिया, फिर ड्रॉवर रखा है और बाद में उसके साइड का जो पार्ट था वो स्टिक करके लिया है। मैंने ड्रॉवर स्टिक करके नहीं लिए है, साइड वाला पोर्शन था मतलब पार्टीशन जैसा रहता है वो मैंने स्टिक करके लिया है। अब हमारा ये ड्रॉवर और आगे वाला पोर्शन तो रेडी हो गया। पीछे बॉक्स के ड्रॉवर फिसले नहीं इसलिए हम पीछे वाले साइड में भी एक जो छोटी रेक्टेंगुलर स्केल जैसी काटी थी वो हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। मैंने यहाँ पे सभी तरफ ग्लू गन यूज़ किए हैं। चलो रेडी हो गया है हमारा एक ऑर्गेनाइज़र। मैंने यहाँ पे आगे के ड्रॉवर ओपन करने के लिए यहाँ पे मैंने पर्स लगा है, आप चाहे तो अलग वाला कुछ पैटर्न लगा सकते हो। और उसको थोड़े से पैर जैसा चाहिए इस ड्रॉवर को, इसलिए मैंने यहाँ पे खाली बॉटल की जो कैप रहती है उसको भी मैंने वॉलपेपर स्टिक करके वो ग्लू गन की हेल्प से मैंने नीचे से तरफ से स्टिक करके लिया है। तो चलो रेडी हो गया है हमारा ये बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र। आपको ये थोड़ा सा भी पसंद आ गया तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। चलो अब हम बनाने वाले हमारे लास्ट DIY। यहाँ मैंने एक बॉक्स लिया है, कांच की बाउल्स रहते उसका ये बॉक्स है। आपके पास किस साइज़ का है आपके हिसाब से बॉक्स ले सकते हो। मैंने साइड के जो पार्ट था वो कट करके लिया है, ओपन जो पार्ट था वो मैंने वैसे ही रखा है, अंदर वाले पोर्शन में भी वैसा ही रखा है। मेरे पास एक फैब्रिक था रेड कलर का,
उसको ही मैंने यहाँ पे यूज़ करके लिया है। आप चाहे तो आपके पास जो भी फैब्रिक हो, कॉटन का हो, कोई अलग सा हो, आप वही यूज़ करके ले सकते हो। मैंने यहाँ पे फेविकॉल की हेल्प से ही ये फैब्रिक स्टिक करके लिया है। आपको चाहे तो आप ग्लू गन की हेल्प से भी स्टिक करके ले सकते हो। मैंने फेविकॉल अच्छी तरह से उसको लगाया है, फेविकॉल थोड़ा भी कम किया तो वो अच्छे से स्टिक नहीं हो जाता है। मैंने पहले ऊपर वाला पोर्शन था वो स्टिक करके लिया है और बाद में जो साइड साइड का था वैसे सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे स्टिक करके लिया है। अब हम यहाँ पे बैंगल बॉक्स बनाने वाले हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। मतलब इस ऑर्गेनाइज़र का यूज़ आप ड्रेसिंग टेबल पे भी कर सकते हो। आपको बैंगल्स का नहीं चाहिए, खाली ऐसा ही बॉक्स चाहिए तो आपकी ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए भी ये बॉक्स बहुत ही काम आ सकता है। आपको ज्वेलरी नहीं रखनी है, आपको ऑर्गेनाइजर्स भी नहीं चाहिए, लेकिन किसी को गिफ्ट देने के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया सा बॉक्स रेडी हो जाएगा। आज हम जो बैंगल बॉक्स बनाने वाले हैं बहुत ही यूज़फुल है। ड्रेसिंग टेबल पे हमारे छोटे छोटे बैंगल्स या कुछ इयर रिंग्स वगैरह ऐसे ही पड़े रहते हैं। आप बैंगल्स मत रखो, लेकिन इयर रिंग्स वगैरह रखने के लिए भी उसका यूज़ हो सकता है। ड्राइविंग में भी इसका यूज़ हो सकता है। आप कांच की बैंगल्स भी यहाँ पर रख सकते हो, क्योंकि बॉक्स थिक है तो वो आराम से बढ़िया से रख सकते हैं हम। या मैंने अंदर वाले पोर्शन में भी वही फैब्रिक लगाया है। आपके पास ये फैब्रिक थोड़ा कम है तो आप अंदर वाले पोर्शन में भी अलग फैब्रिक रख सकते हो। यहाँ पे साइड कॉर्नर्स वगैरह सब मैंने फेविकॉल की हेल्प से ही स्टिक किए हैं। थोड़ा थोड़ा एक एक जगह मैंने वहाँ पे ज़्यादा फेविकॉल लगा के वो स्टिक करके लिया है। बीच वाला पोर्शन था, यहाँ पे आप मिरर भी लगा सकते हो या फैब्रिक हो आपके पास ये फैब्रिक भी लगा सकते हो। तो चलो अब ये बॉक्स रेडी हो गया, पूरी तरफ मैंने फैब्रिक लगा के लिया है। अब हम थोड़ा सा और डेकोरेट करने वाले हैं। यहाँ मैंने एक लेस लगाई है। आपके पास लेस नहीं है तो आप मिरर वगैरह भी लगा सकते हो, छोटे छोटे मोती वगैरह भी लगा सकते हो यहाँ पे। तो ये बॉक्स का डेकोरेशन तो हमारा हो गया। अब हम बैंगल्स रखने के लिए उसके लिए एक जुगाड़ करने वाले हैं। यहाँ मैंने एक फॉइल पेपर का रोल लिया है, उसको मैंने बॉक्स की नाप से ही कट करके लिया है और उसको मैंने लेस रैप करके लिए है। आपके पास लेस नहीं है तो आप कलर भी दे सकते हो। और यहाँ मैंने एक प्लास्टिक के ढक्कन लिया है, उसके मैंने बराबर के हिसाब से दो पार्ट करके लिए है। यहाँ मैंने कटर की हेल्प से उसको कट करके लिया है। मेरा जो प्लास्टिक का बॉटल का ढक्कन था वो गोल्डन जैसा ही था, इसीलिए मैंने उसको कोई भी कलर वगैरह नहीं दिया है, खाली सिंपल सा रखा है। आपके पास वाइट हो तो आप गोल्डन कलर उसको दे देना। मैंने यहाँ पे ग्लू गन की हेल्प से उसको दोनों साइड स्टिक करके लिया है। अब ये हमारा रोल अंदर बैठ जाएगा। तो चलो हमारा ये बैंगल बॉक्स रेडी हो गया है। आपको ये कैसा लगे मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। आज के तीनों भी ऑर्गेनाइजर्स बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही यूजफुल है, आप भी ज़रूर बनाना। कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आ गया तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।